Morning, good morning. So we all were learning English speaking, is it? So let's start our English speaking courses. हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था अपनी इंग्लिश स्पीकिंग? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से, याद आ रहा है? सो ये चार क्वेश्चन वर्ड्स हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स. व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई, ये चारों हमें लर्न करना है, जिसमें हम लोग व्हाट को लर्न कर चुके हैं. व्हाट मीन्स क्या, ये लर्न है सभी को. हाँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि लर्न कैसे करना है. कभी भी आप लोग अभी स्पेलिंग्स ना लर्न करें, जैसे WHAT, नहीं, अभी स्पेलिंग्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपको लर्न क्या करना है, आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसका प्रोनंसिएशन कैसे होगा. तो इसका प्रोनंसिएशन कैसे होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, आधा ह एंड देन वा एंड देन ट. व्हाट व्हाट, इसका मतलब होता है क्या. डन. सो बस इतना ही लर्न करना है. व्हाट क्या, जब आपसे पूछा जाए व्हाट, तो आप बताएं क्या होता है इसका मतलब. अच्छा, इसकी स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है. मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को भी स्पेलिंग ना लर्न कराएं. दिस इज इंग्लिश स्पीकिंग, नॉट इंग्लिश राइटिंग. आपको लिखना नहीं है, आपको बोलने आना चाहिए, आपको बस मतलब समझ में आना चाहिए. अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप उसमें व्हाट का मतलब समझें, कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है. सो इफ समवन आस्क लाइक व्हाट इज योर नेम, सो आपको इज का मतलब पता होना चाहिए, योर का मतलब पता होना चाहिए कि हाँ आपका या फिर तुम्हारा, एंड नेम मतलब नाम, एंड व्हाट मीन्स क्या, तो आपका नाम क्या है. तो ये बच्चे बस समझ पाए, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग. सो वी नीड टू स्पीक एंड नॉट टू लर्न द इनफैक्ट स्पेलिंग्स. ओके, ये तो लेवल सेकेंड आएगा, जब हम लोग थोड़ा बहुत बोलना सीख जाएंगे, तो बच्चे खुद ब खुद इसके स्पेलिंग जो है, ये सब इतने यूज टू वर्ड्स हैं, इतने ज्यादा बार इसको यूज किया जाता है, कि ये बच्चे इजिली सीख जाएंगे स्कूल्स में, एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 6 मंथ्स इनफैक्ट. सो अभी हम लोग को स्पेलिंग पे बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, बिल्कुल ही उस पर अटेंशन नहीं होना चाहिए. अभी सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझ लें और उसका मतलब समझ लें. मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोगों को लर्न करना चाहिए. इनफैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एंड एक्शन के लिए. किसके लिए, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन. ऑब्जेक्ट में हम लोग दो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट. दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह. दिस यूज होता है नजदीक की चीज के लिए, एंड दैट यूज होता है दूर की चीज के लिए. मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ ना, ये लर्न करना जरूरी है, ये बच्चे को आना चाहिए कि दिस का यूज कब करते हैं उससे पूछिए. तो जब दिस का यूज करते हैं, दिस मतलब होता है या, दिस मतलब नजदीक की चीज के लिए उसको यूज करते हैं. जब किसी नजदीक की चीज के लिए बात करना होगा, किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए जब बात करना होगा, ऑब्जेक्ट मतलब चीज वस्तु, तो जब किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए बात करना होगा, तो हम दिस का यूज करेंगे. और जब कभी हमें दूर की किसी ऑब्जेक्ट का बात करना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का. जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ये रहे आप, ये दोनों हाथ हैं आपके और ये दोनों आपके लेग्स हैं, और कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, आपकी पेन, ये है आपका पेन. तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, तो ये तो आपके एकदम पास में है, तो आप बोलेंगे कि दिस इज पेन. किसका यूज करेंगे आप, दिस का, दिस इज पेन. और अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपका फुटबॉल रखा हुआ है, दिस इज योर फुटबॉल, ये फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये फुटबॉल तो आपसे बहुत दूर है, तो अब इससे में क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज दैट, ऐसे उंगली दिखाया इसकी तरफ और पूछा कि व्हाट इज दैट, तो आप आंसर क्या करेंगे कि दैट इज माय फुटबॉल, वो मेरी फुटबॉल है. समझ रहे हैं? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे. और जब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक रखे हुए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे. तो ये आना चाहिए बच्चे को, इनफैक्ट आप लोगों को, ठीक है. सो हमें स्पेलिंग्स नहीं लर्न करनी है अभी. अभी हमें क्या लर्न करना है, दिस का यूज कब करते हैं और दैट का यूज कब करते हैं. ये बात आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए कि दिस का यूज नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और दैट का यूज दूर के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं. फिर अब हमें क्या लर्न करना है, सेकेंड पॉइंट लर्न करना है कि जब भी हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज दिस, तो जब वो दिस पूछ रहा है ना, तो हम आंसर करेंगे ऐसे, दिस से ही शुरू करते हैं, दिस इज,
और आप अपने ढेरों सारे सामानों के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे एक अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लीजिए, दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज, देखो ये दिस इज तो हर में बोलना ही बोलना है ना, तो दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज माई स्कूल बैग, दिस इज माई ड्रेस, दिस इज माई यूनिफॉर्म, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई टी शर्ट, दिस इज माई शू, दिस इज माई टाई, दिस इज माई बेल्ट, दिस इज माई फेवरेट पेंसिल, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई पापा, दिस इज माई मम्मी, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर। अगे ऐसे लर्न करना है। अब बच्चे को हम चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं हम सारे बच्चे लोग, तो इंग्लिश स्पीकिंग में हमें यही लर्न करना होता है बेटा। जब भी आपसे हम कभी पूछे व्हाट इज दिस, तो आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम बताएं। कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे दिस इज, और फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम बता लीजिए, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज चार्जर, दिस इज टेबल, दिस इज माई स्कूल, दिस इज बस, दिस इज कार, दिस इज मोटरसाइकिल, दिस इज बाइसाइकिल। ओके वैसे ही दैट वाला भी यूज कर लेंगे। ओके ये लर्न करना है। इधर आइए, फिर पूछा जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, तो ये तो अब एक्शन वाली बात आ गई। एक्शन मतलब आप क्या कर रहे होते हैं वो आपको बताना है। तो आप अपने पास बहुत ढेर सारे आपके पास एक्शन वर्ड्स हैं, आप लोगों को पहले ही इसीलिए लर्न कराया गया था क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों को यही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स लर्न कराने थे, तो उसमें ये बातें आती। आपको एक्शन वर्ड्स में पता है एक होता है प्ले करना, ओके प्लेइंग, प्लेइंग इज एन एक्शन वर्ड। जब आप खेल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लेइंग। जब आप सो रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? स्लीपिंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम रीडिंग। ओके जब आप कोई बुक पढ़ रहा होता, तब जब आप कुछ लिख रहे होते तो क्या लिखते हैं? आई एम राइटिंग। ओके ओके आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग, ईट मतलब खाना, तो आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ। तो आपके ढेर सारे एक्शन वर्ड्स हैं। फिर अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो डूइंग से हम समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा वर्ड है, ये हमारा क्लू वर्ड है, ये हमें बता देगा। डू का मतलब होता है करना, तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आप लोग इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर कैसे करते हैं? इसका आंसर हमेशा ऐसे करते हैं कि आई एम, ये तो बोलना बोलना होता है, आई एम, और इसके आगे क्या लगा देते हैं? एक्शन वर्ड्स लगा देते हैं। आई एम अगर खेल रहे हैं तो प्लेइंग, आई एम पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, आई एम सो रहे हैं तो स्लीपिंग, आई एम लिख रहे हैं तो राइटिंग, आई एम अगर खाना खा रहे हैं तो ईटिंग, है ना। तो ऐसे बोलते हैं आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग। आप लोगों को यही वर्क करना है। ओके मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस भी आज लिख के दूंगा, वो आप लोगों को लर्न करना है, ताकि हम लोग कभी भी आप स्कूल पे आए या फिर यूं ही आप अपने घर पे भी, अपने पेरेंट्स से भी, अपने फ्रेंड से भी आप लोग ऐसे बातें तो कर सके थोड़े बहुत। इनफैक्ट आप लोगों को अब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। यू ऑल आर इनफैक्ट यल्डर इनफ टू स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब चलिए अब पढ़ते हैं आज का एक वर्ड, बहुत ही छोटा सा है ये, तो बहुत ही छोटा सा यूज है आप लोगों के लिए अभी, फैन। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेलिंग नहीं लर्न करेंगे कि डब्ल्यू एच ई एन फैन, नहीं अभी रहने दो, बस हमें पहचानना आता है डब्ल्यू एच ई एन होता है, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिए। इसको प्रोनाउंस करना अच्छे से आना चाहिए आपको, इसका प्रोनंसिएशन कैसे होगा ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं इसको? फैन। ये भी व्हाट की तरह से इसमें आधा हवा आता है, देन वो आता है, और वो में एक ही मात्रा आती है, एंड देन नौ, फैन। कैसे पढ़ेंगे? पढ़िए मेरे साथ, फैन 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 फैन। लर्न कर लिया? ओके फैन का मतलब होता है कब। जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब, जैसे अभी तो आप लोगों से सारे ही लोग पूछते होंगे कि आपके स्कूल कब ओपन होंगे, ऐसा पूछते हो ना, आपके स्कूल कब ओपन होंगे, आप स्कूल कब जाओगे। आप अपने मम्मी पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी आप लोग तो ऐसे ही बात करते हो कि आप लोग स्कूल कब जाएंगे, आप लोग मम्मी हम लोग का स्कूल कब खुलेगा, है ना। सो व्हेन डज स्कूल स्टार्ट, आपका स्कूल कब स्टार्ट होता है, तो व्हेन, व्हेन मतलब कब। व्हेन डज योर स्कूल विल रीओपन, आपका स्कूल दोबारा कब खुलेगा। डन, ये आप लोग अभी इसका केवल मीनिंग लर्न करेंगे, स्पेलिंग्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का आज का मेन टास्क यही रहेगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, व्हाट। अभी वर्ड को सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, एक एक ये चार वर्ड्स हैं अपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स, इन चारों वर्ड्स को वन बाय वन हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है।
मैंने आप लोगों को देखा है, अभी भी आप लोगों ने व्हाट को बहुत अच्छे से नहीं लर्न किया है। सो अभी आज हम लोग फिर से वही रिवाइज करेंगे और उससे व्हाट को लर्न करना है। वी हैव एम्पल टाइम, बहुत सारा समय है हमारे पास, अगर हम लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहे। कुछ बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से होमवर्क करते हैं एंड आई एम सो ग्लैड। आप लोगों को फिर से वही करना है। ओके सो दैट्स इट। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी हम लोगों ने केवल इसमें इतना ही पढ़ा। व्हेन, व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब, जब भी हमें कुछ पूछना होता है कब, आप कब जाओगे, मम्मी कब जाओगे, तो हम कैसे पूछते हैं, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। अभी आप लोगों को ये नहीं, ये भी नहीं लर्न करना है। इनफैक्ट अब बस इतना जाने कि जब भी आपको टाइम के बारे में पूछना होता है, टाइम के बारे में जानना होता है कि कोई काम कब होगा, मम्मी हम घूमने कब जाएंगे, मम्मी हम मूवी देखने कब जाएंगे, मम्मी हम मार्केट कब जाएंगे, तो इसमें समय की बात आती है। इसका जो भी रिप्लाई आएगा वो किस में आएगा, टाइम में आएगा, समय में आएगा। जब आप पूछेंगे ना मैं कब जाएंगे हम मम्मी मूवी देखने, तो हम कल जाएंगे, टुमारो, वी विल गो टुमारो। ये मैं आप लोगों को लर्न कराऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये सीखिए कि व्हेन का मतलब होता है कब, ये मीनिंग लर्न करना है। और व्हाट के जितने भी एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सभी को आज याद हो जाना चाहिए। सभी लोग उसको लर्न कर लें। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको क्या 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 रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे आंसर करेंगे। ओके और सबको अपनी रिकॉर्डिंग सेंड करनी है आज। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।